संत फ्रांसिस जेवियर, इनका जन्म 7 अप्रैल 1506 को हुआ। ये यूरोप के कुलीन घराने के थे। इनकी मां की ओर से इनका संबंध फ्रांस के सुप्रसिद्ध नवारी परिवार से था। यह इग्नेटियस लायोला के बड़े गहरे मित्र थे और उन्होंने लायोला के साथ मिलकर 27 सितंबर 1640 को येसु राजा समाज की नींव डाली। यह समाज विशेषकर मिशनरी कार्य के उद्देश्य से स्थापित किया गया और इसका प्रत्येक व्यक्ति पोप की आज्ञा का पूर्ण रीति से पालन करने की प्रतिज्ञा करता था। पुर्तगाल सरकार ने इग्नेटियस लायोला से कहा कि वे येसु समाजी लोगों को भारत भेजें। पहले भारत में मिशनरी कार्य करने में उनकी अधिक रुचि नहीं थी, परंतु थोड़े समय पश्चात उन्होंने अपने मित्र फ्रांसिस जेवियर से कहा कि वह भारत में मिशनरी होकर जाए। फ्रांसिस जेवियर बहुत ही कठिन समुद्री यात्रा के बाद 6 मई 1542 को भारत पहुंचे। यहां पहुंचने पर इन्होंने गोवा के क्रिश्चियों की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई पाई। यहां एक तो पुर्तगाली लोग थे जिनका आचरण व व्यवहार बहुत ही गिरा हुआ था, दूसरे वे लोग जो पुर्तगाली और भारतीय लोगों की संतान थे। ये लोग क्रिश्चिय धर्म की साधारण मूल शिक्षा को भी नहीं जानते थे। तीसरे हिंदू थे जिनके विषय में जेवियर का यह विचार था कि क्रिश्चिय धर्म की ओर उनका परिवर्तन करना बहुत कठिन समस्या है। जेवियर बहुत कम समय भारत में रहे। उनके रहने का कुल समय 4.5 वर्ष से अधिक ना था, परंतु इस बीच उन्होंने बहुत काम किया। थोड़े समय में अधिक काम करने के कारण उनके कार्य में कुछ अनुचित बातें हुई, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी सेवा भारतीय कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वह अस्पतालों में बीमारों को देखने गए और उनकी देखभाल की। इसके साथ उन्होंने गोवा में प्रचार का काम भी आरंभ किया। गोवा में वह लोगों से सुपरिचित थे। बहुत ही साधारण कपड़े का काला चोगा पहने, घिसी हुई जूती पांव में और घंटी हाथ में लेकर वे गोवा की सड़कों पर जाते और घंटी बजाकर सब लोगों को यह कहता था कि क्रिश्चिय धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पास आए। पुर्तगालियों से वो कहते थे कि वे अपने दासों को शिक्षा पाने के लिए उनके पास भेजें। उन्होंने यहाँ की भाषा नहीं सीखी, परंतु कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से उन्होंने विश्वास वचन व कुछ प्रार्थनाओं का अनुवाद करवा लिया था। यह अनुवाद जल्दी में किया गया था और कहीं कहीं बहुत अनुचित किया था। जेवियर का उद्देश्य यह था कि लोग विश्वास वचन व प्रार्थनाओं को रट लें और इस प्रकार क्रिश्चिय धर्म की प्रारंभिक शिक्षा उनको मिल जाए। वे आगे आगे बोलते थे और लोग उनके पीछे पीछे, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि समय की कमी के कारण उन्होंने इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि लोग उन महान मसीही शिक्षा पुर्तगाल के राजा को अपना राजा मान ले और क्रिश्चिय धर्म को स्वीकार कर ले। और उन लोगों ने इन शर्त को मान लिया और उसी समय 90 प्रतिनिधियों को गोवा में ही बपतिस्मा दिया गया। इसके पश्चात उस जाति के बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया। उनकी संख्या लगभग 20,000 थी। यह घटना 1538 में जेवियर के आने के लगभग 4 वर्ष पहले हुई। इन लोगों को बपतिस्मा तो दे दिया गया, परंतु इनकी क्रिश्चिय शिक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया था। जेवियर को जब इनके विषय में पता लगा, तब उन्होंने काफी समय तक इनके बीच में जाकर काम किया और लोगों की आर्थिक सहायता तथा रक्षा का प्रबंध भी किया। जेवियर यहाँ विशेषकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। जब वे जमा हो जाते तो वे गाकर उन्हें अनुदित विश्वास वचन और प्रार्थनाओं को सिखाते थे। उनका विचार था कि यदि बच्चे सीख जाएंगे तो वे बड़ों को भी सिखाएंगे। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत लोगों को मसीह बनाया। गांव के गांव एक ही दिन में मसीह बन गए। इसको भारत का पहला समुदाय आंदोलन कहें तो अनुचित ना होगा। समय की कमी के कारण जेवियर भी इनकी देखभाल और मसीह शिक्षा का पूरा प्रबंध ना कर सके। फिर भी उनके प्रयत्न द्वारा प्रत्येक नगर में एक निरीक्षक नियुक्त किया गया, जिसको पुर्तगाल सरकार द्वारा मासिक वेतन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी अनुचित धर्म शिक्षाओं की एक एक प्रति प्रत्येक गांव में रखी, परंतु यह शिक्षा केवल रटने व दोहराने तक ही सीमित थी। इस कारण उसे यथेष्ट क्रिस्तीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता, जो घरों में सच्चा परिवर्तन ला सकती है। जेवियर क्रिस्तीय धर्म का प्रचार करने के निमित्त पुर्तगाल की राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करने में भी तनिक भी संकोच नहीं करते थे। कुछ समय पश्चात एक और जाति ने भी सहायता की विनती की। मनार द्वीप की गोताखोर जाति को लोगों ने देखा कि पुर्तगालियों ने किस प्रकार पारवा लोगों की सहायता की। उन्होंने 1543 में जेवियर से विनती की कि वे उनको भी बपतिस्मा दें। फ्रांसिस जेवियर ने एक पुरोहित को उन लोगों के मध्य भेजा और बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया। परंतु जब जाफना के राजा को इस बात का पता लगा
तो उसने गुस्से में बहुत से लोगों को मरवा डाला। गोताखोरों की यह जाति जाफना के राजा के अधीन था। जब जेवियर को इस घटना का पता चला तो उन्होंने राजा से बदला लेने की योजना बनाई कि जाफना के राजा को राज सिंहासन से उतरवा दिया जाए और उसके भाई को राजा बना दिया जाए। यह भाई मसीह होने को तैयार था, परंतु कुछ राजनैतिक कारणों से यह योजना सफल ना हो सकी। इससे जेवियर को बहुत निराशा हुई और वह भारत का काम छोड़ मलका और इंडोनेशिया में सेवा करने चले गया। 15 जनवरी 1568 में वह फिर भारत लौटे और 1539 तक उन्होंने यहाँ सेवा की, परंतु इस समय उनका विशेष कार्य यीशु समाजी लोगों का संचालन एवं निर्देशन करना था, क्योंकि भारत में यीशु समाजी मिशनरियों की संख्या काफी बढ़ गई थी। जेवियर ने यीशु समाजी भावना को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त कलीसिया में भी कई सुधार किए। वह चाहते थे कि भारत में मिशनरी कार्य केवल यीशु समाजी लोग करें और अन्य संघों के लोग यहाँ से चले जाएं। इस कारण उन्होंने गोवा में सेंट पॉल कॉलेज और क्रिग्नोर के फ्रांसिस की कॉलेज को यीशु समाज के अधिकार में ले लिया। सन 1539 में वह जापान में प्रचार के लिए गया। 1552 में वह फिर भारत लौटे और यीशु समाज में कुछ और सुधार किया। उसी वर्ष उन्होंने चीन की यात्रा की। वह चीन में भी प्रचार करना चाहते थे, परंतु मिशनरी होने के कारण खुली रीति से प्रचार नहीं कर सकते थे। अतः चीन के तट से 6 मील की दूरी पर वह सेंसियन द्वीप में ठहरे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु वह चीन में कभी प्रवेश नहीं कर पाए। उसी द्वीप में उनकी मृत्यु हुई। सन 1552 में उनके शव को गोवा लाया गया और वहां उसे गाड़ा गया। आज भी उनकी समाधि वहां विद्यमान है। जेवियर का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है कि वे भारत देश के एक प्रसिद्ध मिशनरी है, परंतु इसलिए भी है, उन्होंने मिशनरी कार्य करने का एक विशेष ढंग निर्धारित किया और उनके बाद अन्य मिशनरियों ने भी उस ढंग को अपनाया। उनके ढंग में कई अच्छी बातें थी, जैसे उन्होंने यह बात समझी कि मसीह सुसमाचार का उद्देश्य केवल मनुष्य की आत्मा